बहुत धन्यवाद डॉक्टर अभिषेक बनु सिंघवी जी, नॉट प्रेजेंट, माननीय श्री प्रकाश जावड़ेकर जी, माननीय श्री प्रकाश जावड़ेकर जी, नॉट प्रेजेंट, माननीय श्री परसोत्तम रूपाला जी, माननीय श्री परसोत्तम रूपाला जी, नॉट प्रेजेंट, माननीय श्री राजीव चंद्रशेखर जी, नॉट प्रेजेंट, डॉक्टर सी एम रमेश जी, डॉक्टर सी एम रमेश जी, नॉट प्रेजेंट, डॉक्टर मनसुख मांडविया जी, प्लीज, डिप्टी चेयरमैन सर, माननीय डिप्टी चेयरमैन सर, आज इस सम्माननीय सभागृह में मेरा 12 साल पूर्ण होने हो रहा है। मुझे पता याद है आज से 12 साल पहले गुजरात में मैं संगठन में काम करता था और हमारे विधानसभा के स्पीकर का निधन हुआ था और एक बाई इलेक्शन चल रहा था। मुझे वहाँ सूचना दी गई कि आपको राज्यसभा में जाना है। मैंने कभी दिल्ली देखी नहीं थी और मैंने राज्यसभा और लोकसभा एक ही परिसर में होती है ऐसा पता नहीं था, और मेरी पार्टी ने मुझे राज्यसभा में भेजा। जब मैं राज्यसभा में इलेक्ट होके आया, स्वर्गस्थ जेटली जी ने भी मेरे साथ वोट लिया था, और जब हम वहाँ से गुजरात से आए, जेटली जी के चैम्बर में मिले, जेटली जी ने हमें दो बात कही थी कि आप विधानसभा में तो रहे हैं लेकिन दिल्ली का कल्चर, रीति नीति, कार्य पद्धति और ये संसद का उपला ग्रह है, अपर हाउस है, उसमें बहुत विद्वान लोग होते हैं, सभी स्टेट से होते हैं, बहुत सीनियर होते हैं, कई लोग सेंट्रल में मिनिस्टर रहे हुए होते हैं, कई पूर्व प्रधानमंत्री है, कोई पूर्व मिनिस्टर है, कोई सदस्य सालों से 5-5, 6-6 टर्म से राज्यसभा में है। पहले 6 महीने तक उसको सुनना, उससे सीखना, और उस वक्त हमारे पुरानी पार्लियामेंट में हम ओपोजिशन में थे, कोने में बैठते थे, 6 महीने तक सभी को सुनता रहा, समझता रहा, और उस वक्त कई कमेटी में भी हम लोगों को रखा गया। उस वक्त पार्टी में मैं विशेष काम करता था, इसलिए पार्लियामेंट में स्टैंडिंग कमेटी में मैं कम आता था। उस वक्त केसी त्यागी जी जैसे विद्वान सांसद भी हुआ करते थे, मेरी एक स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन थे। मैं 3 बार एब्सेंट रहा, तो 3 बार एब्सेंट रहने के बाद उन्होंने एक बार मुझे कॉल करा कि आप 4थी बार नहीं आएंगे तो मैं आपको कमेटी से निकाल दूंगा, और हुआ ऐसा कि मैं 4थी बार नहीं आ पाया और मुझे कमेटी से उन्होंने निकाल दिया। तो बाद में मैं पार्लियामेंट में आया और सेशन शुरू हुआ, मुझे मिला, उन्होंने मुझे प्यार से कहा कि मैं डिसिप्लिन का आग्रही हूँ और मैंने आपको वार्निंग दिया था, आप नहीं आया, मुझे आपको हटाना पड़ा। उसको बुरा मत मानना, उससे सीखना, नियमित रहने का। केसी त्यागी जी का मैं धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे पार्लियामेंट्री डिसिप्लिन सिखाई, और तब से मैं आग्रही रहता हूँ कोई भी मीटिंग में टाइम पे पहुँचना। पॉलिटिकल काम भी होता रहता है लेकिन पार्लियामेंट की प्रोसीजरल एक्टिविटी में उपस्थित रहना, केसी त्यागी जी का आज के अवसर पर मैं उल्लेख भी करता हूँ, उसको धन्यवाद भी करता हूँ। माननीय डिप्टी चेयरमैन सर, ये महान सदन में मुझे कई घटना का साक्षी बनने का अवसर मिला। हम हमेशा कहते थे जब वह स्टूडेंट लीडर थे, विधानसभा में थे, स्टेट में पार्टी में काम करते थे, मेरी पार्टी की विरासत है, हम सब बोलते थे जहाँ हुआ बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। और मेरे पिताजी ये जमाने में जनसंघ में काम करते थे और वही ये नारा लगाते थे, ये नारा हम घर पे सुनते थे, और उसको उस वक्त कल्पना नहीं थी कि वो तो ये जमाने में वो कभी इलेक्ट होंगे, कभी असेंबली में जाएंगे, पार्लियामेंट में जाएंगे, उसके लिए वो काम नहीं करते थे, वो काम करते थे भारत माता की जय के लिए,
वो काम करते थे कि एक पार्टी कभी सत्ता में आएगी तो अयोध्या में राम मंदिर बनाएगी, पार्टी कभी सत्ता में आएगी तो धारा 370 हटाएगी, ये पार्टी कभी सत्ता में आएगी तो भारत माता को परम वैभव के स्थान पर विराजमान करेंगे, यही कल्पना से वो लड़ते थे, मेहनत करते थे। मैं छोटा था, मेरे घर पे देखता था, समझता था। और प्रधानमंत्री जी, मेरे पिताजी आज नहीं रहे, लेकिन जब 2020 में संसद में धारा 370 हटाई, वो 100 साल की आयु के थे, मैं उसमें वोटिंग करके घर पे गया। वो चल नहीं पा रहे थे, लेकिन भी जब मैं घर पे गया, वो उठ के गेट तक आ गया बाहर, और उन्होंने गौरव महसूस किया, उसकी आंखों का आंसू को मैं वंदन करता हूँ। उन्होंने गौरव लिया कि मेरा बेटा धारा 370 हटाने के पार्लियामेंट के कानून में साइन करके आया है, वोट करके आया है। दोस्तों, ये सब लोगों ने जो पुरुषार्थ किया था, परिश्रम किया था, जिन्होंने अपनी जिंदगी खपा दी थी आइडियोलॉजी के लिए, विचारधारा के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ करने के लिए, ऐसे लोगों को मैं अभिनंदन करता हूँ। और उनकी विरासत के रूप में मुझे यहाँ ये महान ग्रह में आने का अवसर मिला। मुझे मैं ये भी घटना का, यही सदन में धारा 370 हटने की का घटना का मैं साक्षी रहा। GST जैसे कानून मेरे ही समय के दरमियान पारित किया गया, 3 तलाक का कानून हो, महिला आरक्षण हो, न्याय संहिता हो, जैसे महान रिफॉर्म जो आने वाले दिनों में, जब देश अमृत काल में काल से गुजर रहा है, और जब देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाता हो, यानी कि जब देश आज़ादी का शताब्दी वर्ष मनाता हो, देश की आज़ादी का 100 वर्ष पूर्ण हुआ हो, और उस वक्त की जनरेशन विकसित भारत को देख रही हो, उस वक्त वो याद करेंगे कि ये देश में एक बार, मैं जब छोटा था तो पढ़ता था चंद्रगुप्त मौर्य का सुवर्णकाल, डिप्टी चेयरमैन साहब मोदी जी का सुवर्णकाल को याद करेंगे, तब ये सब कानून भी उसके संज्ञान में आएंगे, और हमें गौरव महसूस होगा, या तो हमारी नेक्स्ट जनरेशन को गौरव महसूस होगा कि हमारे फादर ने या हमारे फोर फादर ने एक कानून बनाते वक्त उन्होंने अपना योगदान दिया था, अपना वोट दिया था, इस घटना का साक्षी बनने के लिए मैं स्वयं मेरी जात को गौरव महसूस करता हूँ। माननीय डिप्टी चेयरमैन सर, ये ही सदन में जब हम ऑपोजिशन में बैठते थे, जेटली जी थे हमारे साथ, वेंकैया नायडू जी थे, रविशंकर प्रसाद जी थे, ऑपोजिशन में रह के जिस तरह से तर्क वितर्क करके अपनी बात को रखते थे, मैं सदन में पी राजीव को भी देखा है, वो कम्युनिस्ट MP थे, उनके तर्क करने की एक शैली थी। और कोई भी हाउस में कोई भी बिल हो और कोई भी हाउस की कार्यवाही हो, उसका कुछ न कुछ इनपुट्स रहता था, उसकी तर्क करने की शैली को हम समझते थे। वैसा ही KC त्यागी जैसे, शरद यादव जैसे नेता जो अपने कमिटमेंट के लिए अड़े रहने, अकेले हो जाने के बाद भी अपनी बात पर अड़े रहने वाले लोगों को भी इस सदन में, महान सदन में हमने देखा है। ये पार्लियामेंट का अपर हाउस होने के नाते 12 साल तक मेरी पार्टी ने, आदरणीय मोदी जी ने मुझे इस हाउस में मेंबर के रूप में काम करने का अवसर दिया। 2016 में मैं स्टेट मिनिस्टर बन के काम करना चालू करा, राज्य मंत्री के रूप में भी मैं राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदन में मुझे जाने का अवसर मिला, दोनों सदन को समझने का भी अवसर मिला। और माननीय डिप्टी चेयरमैन साहब, मैं उल्लेख करना चाहूँगा, जब देश में कोविड चल रहा था, ऐसी विपरीत परिस्थिति में मोदी जी ने मुझे भारत सरकार के हेल्थ मिनिस्टर के रूप में दायित्व दिया। उस वक्त दिल्ली के गलियारों में बात होती थी कि अननोन आदमी है, एक कोविड की ये स्थिति को कैसे मैनेज करेगा, क्योंकि मैं इतना परिचित इस गलियारों में नहीं था। लेकिन ये सदन में उस वक्त मैंने कोविड के संदर्भ में कई बात कही, कई बार मैंने सार्वजनिक एज ए मिनिस्टर के रूप में कई विषय रखे। माननीय चेयरमैन साहब, मोदी जी के नेतृत्व में मुझे हेल्थ मिनिस्टर के रूप में काम करने का अवसर मिला। मैं घटना का साक्षी बना कि देश जब कोविड के पहले और जब कोविड के शुरुआत के दिनों में जब दुनिया के साथ हम बात करते थे, तब दुनिया कहती थी कि इंडिया कैसे कोविड मैनेज करेगा। इंडिया इज ए बिग कंट्री, ह्यूज डाइवर्सिटी, 1.4 बिलियन पॉपुलेशन,
ये स्थिति में इंडिया में कैजुअलिटी कितनी होगी उसके आधार पर दुनिया अपना एस्टिमेट लगाती थी कि दुनिया में कितनी कैजुअलिटी होगी। लेकिन मोदी जी ने जिस तरह से देश में कोविड मैनेज करा, जिस तरह से मैं मार्गदर्शन करा और मोदी जी के मार्गदर्शन में हमने जिस तरह से देश में काम करा, उसका नतीजा ये निकला जब ओमिक्रॉन वेव खत्म हुआ और G20 समिट हो या तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो, जहाँ भी सभी जगह पे मुझे भारत का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला, मुझे खुशी है कि बड़े बड़े लोगों ने, बड़े बड़े कंट्री हेड ने, जब मैं उसके अपॉइंटमेंट लेके मिलता था या तो वो मुझे मिलते थे, तो पहला उसका सेंटेंस था, कॉन्ग्रेचुलेशन इंडिया, यू हैव डन गुड कोविड मैनेजमेंट एंड वैक्सीनेशन ड्राइव। दोस्तों, ये माननीय चेयरमैन साहब, इस स्थिति से भी काम करने का मुझे अवसर मिला इस सम्माननीय सदन ने। परस्पर जब पॉलिटिक्स में, कई बार पॉलिटिक्स होता है, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि कई विषयों पर बहुत डीपली डिस्कशन होता है, ध्यान से समझते हैं तो उसके तर्क में कई मार्मिकता भी होती है, चाहे सरकार के पक्ष से हो, चाहे ओपोजिशन की ओर से हो, सभी को सुनने का मुझे बहुत रुचि लगती थी। 12 साल की, यानी कि 12 ईयर्स की इस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ा हूँ, मैं सीखा हूँ, मैं समझा हूँ, मेरे से हो सका इतना दिया है, लेकिन बहुत कुछ लेके जाता हूँ। आप सब साथियों को मेरे ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, धन्यवाद। धन्यवाद। मैसेज फ्रॉम लोकसभा सेक्रेटरी जनरल।